डार्क वेब पर कोरोना के नाम पर धोखा, कोरोना संक्रमितों का बिक रहा खून, वैक्सीन बेचने का भी किया जा रहा दावा, सावधान रहें लोग। कोरोना की कहर के बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल अब कोरोना वायरस को हरा कर ठीक होने वाले लोगों का खून डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। जी हां, कोरोना वायरस महामारी ने डार्क वेब पर कुछ ऐसी चीजों की बिक्री शुरू कर दी है जो वहां कभी नहीं होती थी। यहां पर वायरस डिटेक्टर से लेकर कोरोना वायरस की वैक्सीन तक बेची जा रही है। डार्क वेब मार्केट पर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी के लिए रिकवर्ड पेशेंट्स का प्लाज्मा लिस्टेड है। क्या है डार्क वेब? इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउजिंग के दायरे से परी होती हैं। उन्हें डार्क या डीप नेट कहा जाता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस तक कुछ ही लोगों की पहुंच होती है। इस नेटवर्क पर विशिष्ट ऑथराइजेशन प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहुंचा जाता है। अधिकांश डार्क वेब सामग्री उन प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई निजी फाइलें होती हैं जहां केवल ग्राहक ही पहुंच सकते हैं। इंटरनेट की कालाबाजारी। डार्क वेब पर हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना संकट में डार्क वेब पर इस महामारी को लेकर कोई जिक्र ना हो। आपको बता दें कि यह आलम यह है कि इस वक्त डार्क वेब पर कोरोना डिटेक्टर से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक बेची जा रही है। इतना ही नहीं, इंटरनेट के इस काले बाजार में कोरोना से जुड़ी और भी कई चीजों की बिक्री हो रही है। क्यों बिक रहा खून? कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद बनकर उभरी है। रिसर्च करने वालों को भरोसा है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से बाकी मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, वो जब ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। ये एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति रक्तदान करता है, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज में डाला जाता है तो बीमार मरीज में ये एंटीबॉडी पहुंच जाता है। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से दो लोगों का इलाज संभव हो जाता है। कोरोना नेगेटिव आने के दो हफ्ते बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इस सामान की भी हो रही बिक्री। डार्कनेट सर्च इंजन डार्क ओवल द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़े के मुताबिक डार्क वेब पर वायरस डिटेक्टर्स, कोरोना वैक्सीन, खून, कोरोना वायरस संक्रमित बलगम और प्लाज्मा जैसी कई चीजें लिस्टिंग की गई है। सेफ्टी फर्स्ट 2020 नाम का सेलर कोरोना एंटीवायरस डिटेक्टिव डिवाइस बेच रहा है। अगरता पर कोरोना वायरस की वैक्सीन 34,751 रुपए में बेची जा रही है। पार्क्स रोमाना नाम की साइट पर रिकवरी के बेहतर चांस के लिए 20 कैप्सूल का पैकेट $43 यानी के 3,291 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा क्लोरोक्वीन, जो COVID-19 में यूज हो रही हाइड्रोक्सीक्लोरीन का कम जहरीला रूप, और फेविपैराविर, जो जापान में फ्लू के खिलाफ यूज होने वाली एंटीवायरल दवा भी सेल हो रही है। इनके दाम 23,000 से 1.5 लाख के बीच में है। लोगों से हो रहा धोखा। डार्क वेब पर जहां एक ओर अधिकतर सेलर अपने वादे को पूरा करने का दावा करते हैं, वहीं COVID-19 से जुड़ा बिजनेस मुख्य रूप से सिर्फ एक धोखा है। वहां बिकने वाली चीजें जैसे COVID-19 की वैक्सीन अभी तक तैयार ही नहीं हुई। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोगों से धोखा हो रहा है और उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।